मौसम चेतावनी 22 से 23 अप्रैल के दौरान इन जिलों में हो सकती है बारिश एवं ओलावृष्टि। वेदर अपडेट 22 से 23 अप्रैल के लिए वर्षा का पूर्वानुमान। देश के कई हिस्सों में जारी तेज तपिश और लू के बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। बीते एक दो दिनों में कई स्थानों पर बारिश एवं ओलावृष्टि दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती और परिसंचरण के रूप में अफगानिस्तान और उससे संलग्न पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। इसके साथ ही एक चक्रवातीय परिसंचरण मराठवाड़ा और उससे लगे पश्चिमी विदर्भ के ऊपर स्थित है। मौसम विभाग के मुताबिक मौजूदा सिस्टम के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में हो सकती है बारिश एवं ओलावृष्टि। मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार 22 से 23 अप्रैल के दौरान राज्य के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, अलीरिपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, नहर एवं पांडुर्ना जिलों में तेज हवाओं एवं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना है। ये भी पड़े पौधों को जमीन के पास से काटकर नुकसान पहुंचाता है। कटुआ की किसान ऐसे करे इसका नियंत्रण। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में हो सकती है बारिश एवं ओलावृष्टि। मौसम विभाग के रायपुर केंद्र के द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार 22 से 23 अप्रैल के दौरान सरगुजा, जशपुर, कोरिया, पेंड्रा रोड, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलोदा बाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमतारा, कबीरधाम, राजनंदगांव, कांकेर, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में गरज चमक एवं तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। महाराष्ट्र के इन जिलों में हो सकती है बारिश एवं ओलावृष्टि। मौसम विभाग के मुंबई केंद्र के द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार 22 से 23 अप्रैल के दौरान राज्य के धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, शोलापुर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाण, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम एवं यवतमाल जिलों में तेज हवाओं एवं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं इस दौरान विदर्भ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ओले गिरने की भी संभावना है। पंजाब एवं हरियाणा के इन जिलों में हो सकती है बारिश एवं ओलावृष्टि। भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार 22 से 23 अप्रैल के दौरान पंजाब राज्य के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जलंधर, फिरोजपुर एवं रूपनगर नगर जिलों में अधिकांश स्थानों पर तेज तेज हवाओं एवं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। ये भी पड़े किसान 31 मार्च तक करेंगे काम, वरना नहीं मिलेगा PM किसान योजना का पैसा। वहीं हरियाणा राज्य में 12 से 15 अप्रैल के दौरान महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश एवं ओलावृष्टि होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में हो सकती है बारिश। भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 22 अप्रैल के दौरान राज्य के मेरठ, बागपत, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, मुरादाबाद, बीजनौर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, वाराणसी एवं चंदौली जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं एवं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। राजस्थान के इन जिलों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार 22 अप्रैल के दिन राज्य के बारां, झालावाड़, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर एवं श्री गंगानगर जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इन संभागों में बारिश, आंधी के साथ बादल छाए रहेंगे। -24 से गर्मी और लू की भी आशंका। मौसम विभाग के अनुसार 23 अप्रैल तक वेस्टर्न डिस्टरबेंस और अरब सागर से आ रही नमी के चलते भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर और इंदौर संभाग में बारिश, आंधी के साथ बादल छाए रहेंगे। 23 अप्रैल को सिवनी, मंडला और बालाघाट जिले में कहीं कहीं हो सकती है। एक साथ कई मौसम प्रणालियां सक्रिय।
वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास हवा की ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। इसके साथ एक द्रोणिका भी संबद्ध है। इसके असर से उत्तरी पाकिस्तान और उससे लगे पंजाब पर प्रेरित चक्रवात बन गया है। मध्य महाराष्ट्र पर हवा के ऊपरी भाग में भी एक चक्रवात और अरब सागर में एक प्रति चक्रवात मौजूद है। इस चक्रवात से लेकर तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। अलग अलग स्थानों पर बनी इन मौसम प्रणालियों के असर से अरब सागर से लगातार नमी आ रही है, जिसके चलते बादल छाने और गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बनने लगेगी। इतना ही नहीं, 24 अप्रैल से गर्मी और लू की भी आशंका है। इस दौरान तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बादल का आवाज सुन रहे हैं, शाम की घड़ी है, आप ड्यूटी करके लौट रहे हैं तो अपना मोबाइल एरर रखिए और सेफ्टी के साथ रखें। वो जोरों से बादल है, बारिश होने की संभावना है। दोस्तों अपने क्षेत्र में कैसा मौसम है जरूर बताएं। बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है। आप रात के बज के देखना है और सुहास क्या क्या रात के बज पानी रे मम्मी लेके जा रहे हैं ये देख क्या याद है नोला ना ये क्या देख के अरे मम्मी तो बोले बोल दो रात के बज के देखना मार तोरे अपने हाथ खाली जिया खाली मावे खाली साथ